बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो विश्वात्मा विधिविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नास्त्रीयः। अथर्ववेदीय मार्गक उपनिषद के जो चतुर्थ प्रकरण है औलाद शांति धाम है उसको आगे जा करते हुए हमारे लिए मांडू को मांडू को कारिका है उपनिषद के ऊपर आधार पर कारिका है मांडू को उपनिषद मांडू को कारिका अलग नहीं है उपनिषद के आधार पर अभी जो चल रहे हैं वो बारहवा मंत्र जो है शांतम शिव मंत्र पंचकोशम शांतम शिव मंत्र तो है उसी को ऊपर मन में रखते हुए ये जो है औलाद शांति प्रकरण उपनिषद के लिए बारहवा मंत्र क्या है उसका अमात्र चतुर्थ अव्यवहार जो प्रपंच उपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कल हमने छोटे से बता करके आए थे कि यहाँ पे अपने प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत दे रहा है यथो न जाए किंचित जाए मन समझ जाते है ना उत्पन्न होना संभव ही नहीं है न कश्चित जायते जीव संभव न विद्यते ये तथ्य उत्तम सत्यम यत्र किंचित न जायते ये सबसे उत्तम सत्य है व्यवहारिक सत्य प्राथमिक वाला के उत्तम सत्य ही है उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है। इसको लेकर के पहले तो नारायण को प्रणाम किया फिर सिद्धांत को प्रणाम किया फिर अलग अलग वादियों को अपने आप नहीं भीड़ रहे हैं ये बहुत चालाकी है वो वादियों में आपस में जो भिड़ते रहते हैं उस लॉजिक के द्वारा उनको खंडन कर रहे हैं। इस प्रकार से सांख्यवादी और न्याय को शशि को सत करने वाला सत कर्ण बंद करके भिड़ाया उसके बाद जो है अब ये पूर्व मीमांसा दर्शन है नए दर्शन के साथ उसको भिड़ा दिया पूर्व मीमांसा दर्शन के द्वारा जब ये कहा दिया कि हेतु और कार्य आपस में जो है कार्यकरण पावे मतलब संघात और अदृष्ट अदृष्ट और संघात में आपस में कार्यकरण पावे तब यहाँ पे जो पूछा गया था कौन पहले है बताओ कार्य कारण भाव होगा तो कोई कार्य होगा तो कारण पहले देखना चाहिए तो दो नहीं बता पाते तब इसलिए कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। भाई शास्त्र ने तो ऐसा दिखाया कि दोनों अनादि चलता है कार्य बनना कार्य भी अनादि कारण भी अनादि तो इसका अर्थ क्या करोगे मतलब तो बस यही काम भी बोलते हैं इसका अर्थ यही करेंगे मतलब इसका उत्पत्ति होना संभव नहीं है आदि न विद्यते यस्य तस्य आदि न विद्यते जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता उसका उत्पत्ति होना संभव नहीं है उसको उत्पत्ति होना संभव नहीं है। हमारे मुख्य सिद्धांतों को बताने के बाद अब विज्ञानवादी बोध उसमें विज्ञानवादी बोध में मतलब बौद्धवादी में चार भाग है शौत्रार्थी वैभाषिक विज्ञानवाद और शून्य हाँ माध्यमिक और योगाचार और माध्यमिक विज्ञानवाद को योगाचार बोलते हैं इसका बाद इसके भी दो विभाजन है हीनजान और महाजान किसका ये शौत्रांतिक और वैभाषिक को हीनजान बोलते हैं लोग
हीनोयान बोलते हैं ये घटिया है, ये बाहरी वस्तु का अस्तित्व मानता है, अरे ये महायान है, ऐसा करके आपस में भिन्नता है। ऐसे इन दोनों को जो है ये योगाचार माध्यम में कही, पहला दोनों हीनजान, हीनजान, और नेक्स्ट दोनों महायान, महायान। हीनजान महाराज भारत में खूब चलता है, श्रीलंका में, और महायान जापान, वो सब कोरिया, वहाँ पे बहुत ठीक स्थिति अच्छा होगा, ये लोग है ही नहीं जैसे और ऊपर उठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो बाहरी अस्तित्व मानती है कौन, श्रोत्रांतिक और वैभाषिक, ये बाहरी अस्तित्व मानते हैं। श्रोत्रांतिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मानते हैं, और वैभाषिक अनुमान प्रमाण से जाना जाता है कि बाहरी वस्तु है। ठीक है, उसने अपने पक्ष में क्या युक्ति देते हैं कि हमारा ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ता है। 24 नंबर पढ़ लिए थे कल, मतलब उसी को पढ़ना है ना अभी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व इसने बोला कि ये लोग जो है ना कार्यकरण भाव की दिखता नहीं है, उसको मानना ठीक नहीं है, ये सब एकमात्र है विज्ञानवादी बोलते हैं, परंतु बाहरी जगत की वस्तु का अस्तित्व है अथवा नहीं है। तब इसको लेकर के हमारे विज्ञानवादी बोध जो ये बोलते हैं कि देखो आपके ज्ञान में विचित्रता दिखाई पड़ता है, तो ज्ञान में विचित्रता कैसे होना संभव है, बाहरी वस्तु अलग है, घट अलग है, पट अलग है, ना जब इस प्रकार जब ज्ञान किसी वस्तु के आलम्बन बनते हैं तब जाकर के कुछ ज्ञान होता है, कोई बाहरी वस्तु आलम्बन बनता है तब उस प्रकार की ज्ञान होता है, इसलिए बाहरी वस्तु में मानना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, आँख की टुकड़ा आपके हाथ में गिर जाए जलन होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार बर्फ की टुकड़ा है तो ठंड के समय तो ठंड लगेगी नहीं लगेगा, इससे ये सिद्ध होता है बाहरी वस्तु जल अग्नि ये सब है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए बोला श्लोक 24 नंबर, प्रज्ञा पे सन्निमित्त मन यथा विनाशत संशेषस्योपलब्धेश परतन्त्रास्तिका मता। शास्त्री शासन शास्त्र जो प्रतीत दिखाई पड़ता है वो भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए इसके पीछे कोई नियम होना चाहिए, कोई विषय होना चाहिए, विषय होने से तद अनुकूल ज्ञान उत्पन्न, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो 2 नंबर टिप्पणी में तथा स्वविषयत्म, शास्त्र का कोई विषय होता है, कोई पढ़ाने वाला होता है, कोई पढ़ने वाला होता है, इस प्रकार से इसको अवलंबन करके व्यवहार चलते इसको मानना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसे नहीं मानोगे तो तब कह दयानाशत, तब कह जाएगा निर्विषय मानने पर तो ये शब्द आदि प्रत्येक विचित्रता ये द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाएगा, ये ज्ञान ही ज्ञान जाएगा केवल। और केवल इतना ही नहीं, आपको क्लेश अनुभव होता है कि नहीं होता, सूर्य के ताप में धूप में आपको क्लेश अनुभव होता है, तो बाहर कोई एक सूर्य नामक वस्तु है जिसके कारण सब क्लेश हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। और संक्लेशस्य उपलब्धिस्य, दुख की उपलब्धि वस्तु की उपलब्धि होती है, उस प्रकार से गर्म लग रहे हैं तो एक कोई अग्नि को उपलब्धि होती है, ठीक ठंडा लग रहा है शुद्ध के कारण पानी को उपलब्धि होती है, उपलब्धिस्य चकार के द्वारा इसके ज्ञान भी होते हैं, इसके ज्ञान भी होते हैं, इसलिए परतंत्र अस्ति दूसरेवादी ने जो वस्तु के अस्तित्व ऐसा माना यही हमारा मत है। परतंत्र अस्तित्व दूसरे सिद्धांत के अनुसार जो अस्तित्व बाहरी वस्तु के अस्तित्व ऐसा माना गया ये मत आई हम लोग बेस्ट मानते हैं। और ये सिद्धांत खंडन नहीं करेंगे इसका, कौन खंडन करेगा इसको, विज्ञानवादी बोध, हाँ विज्ञान, जो हीनजान को खंडन करते हैं महाजन, महाजन खंडन करते हैं हीनजान, आपस में है ऐसा, हम तो केवल इतना ही है उनको जो इनके साथ भिड़ा देंगे, देखो तुम लोग तो इससे इस साल क्या सिद्ध होगा, वास्तविक उत्पत्ति होना संभव नहीं, ये इसीलिए यहाँ पे ये प्रक्रिया है, यहाँ पूरा शुरू से ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने तो क्या हो गया, प्रज्ञाप्ति है मतलब जब भी कुछ ज्ञान होता है ज्ञान का निमित्त कुछ होता है, मतलब सामने कोई विषय हो तब जाके ज्ञान होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान इस प्रकार से होता क्या है, वहाँ पे क्या वस्तु है, एक अंदर से वृत्ति, वृत्ति उपहित चेतन, चेतन आपका तो फायदा हुआ है, मतलब वृत्ति को सदाश्रय करके जैसे बाहर गया, और क्या होता है बुद्धिवृत्ति भी बाहर जाते हैं, वो चेतन जाकर के उसको घेरते हैं चेतन, और फिर बुद्धिवृत्ति भी घेर मतलब वस्तुनिष्ठ चेतन को घेर लेते हैं, अंदर आते हैं, जैसे अंदर आते हैं तो क्या होता है बुद्धिवृत्ति में उस वस्तु के प्रकाश होता है और चिदाभास उसको निश्चय करते हैं, हाँ ये ऐसी वस्तु है, ऐसे ये वस्तु है। इस प्रकार यहाँ पे बोलते हैं
कि वस्तु न वस्तु तो जन्म अजोगात अजम विज्ञान मात्र तत्व यदि उत्तम पारमार्थिक उसमें किसी दृष्टि की वस्तु की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, इसलिए विज्ञप्ति मात्र तत्व एक शुद्ध चेतन मात्र विद्यमान है जन्म नहीं ये कहा गया है। अब क्या कहना चाहते हैं, इदानी बाह्यार्थवादम अर्थबुद्धावेदि समय बौद्धवादियों का जो चार वादी में जो दो बाद है कौन दो बाद है शोधक्रांति का वैभाषिक का सात नंबर टिप्पणी हमने पढ़ लिए थे है ना। बाह्यार्थवाद बुद्ध से चत्वारो शिष्य बौद्ध का चार प्रकार के शिष्य भेद है शोधक्रांति वैभाषिक योगाचार मध्यंतिक आख्या तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विद्यतया क्रम से प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जगत विद्यमान है ऐसा जो है क्रम से आदौ घटादि बाह्य अर्थम अभ्युपगच्छ तो पहला दो कैटेगरी घटादि बाह्य विषय के अस्तित्व को मानते हैं अंत्योच और बाद वाला दो वैभाषिक योगाचार और माध्यमिका योगाचार और माध्यमिका अंत्योच आंतर क्षणिक विज्ञान शून्य तत्र आद्यो मतम उत्थापयति उनमें क्या बोलते हैं एक विज्ञान को मानते हैं एक शून्य को मानते हैं। विज्ञान में सारा जगत की प्रतीति होती है और एक बल मत नहीं शून्य से उत्पन्न होता है ये जो मत है इसमें जो पहला दो मत है शोधक्रांतिक वैभाषिक उसको मत को उत्थापन करके खंडन करते हैं। ज्ञान से स्विषयत्व ठीक है ज्ञान से स्विषयत्व प्रत्यय वैचित्य अनुपत्ति प्रमाण क्योंकि ज्ञान विषयात्मक ज्ञान होता है विषय से ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए ज्ञान जो विषय वाला ही होता है इसलिए मतलब हेतु क्या है प्रत्यय वैचित्रा है प्रत्यय की विचित्रता नहीं हो सकता अनुपत्ति इसी के लिए प्रमाण है मतलब ज्ञान से विषयत्म ज्ञान में ज्ञान किसी विषय का अवलंबन करके होता है इसलिए बाहरी विषय है इसके पीछे हेतु क्या है प्रत्यय की वैचित्रता प्रत्यय की विचित्रता ही जो अनुपत्ति मतलब युक्तिहीनता दिखाता है क्योंकि यदि आप केवल आपके सिद्धांत पर बोल रहे स्वतंत्र वैभाषिक बोल रहे आपके सिद्धांत युक्तिहीन है क्यों प्रत्यय में जो विचित्रता दिखाई पड़ता है ज्ञान में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है वो होना संभव नहीं होगा यदि एक विज्ञप्ति मात्र ही है तो इसलिए बाहरी वस्तु को मानना पड़ेगा। ज्ञान से स्विषयते प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रमाणति मतलब अनुपत्ति प्रमाण ही इसके लिए तुम्हारा ज्ञान विषय ज्ञान का विषय कहा है ना कहीं इसके लिए प्रमाण का नाम अर्थावर्ती प्रमाण आपको बोलेंगे जिससे मतलब प्रत्येक विषय बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम बाह्यार्थम बिना प्रत्यय वैचित्रम अनुपन्नम फिर बाह्यार्थम बिना संक्लेश अनुपन्नम यहाँ पे नहीं है मतलब ये अनुपत्ति बोल रहे ना अर्थापति आगे बोलेंगे टीकाकार आगे इसका हो जाने के बाद अन्यथा अन्यथा मतलब यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा द्वयोनाश तो द्वयना मतलब प्रत्येक द्वैत्य की अभाव हो जाएगा सारा जो द्वैत्य प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है सारा के सारा अभाव हो जाएगा केवल इतना ही नहीं है इसलिए ज्ञान में विचित्रता के पीछे दूसरी बात यह है हमें क्लेश देने वाले वस्तु का अनुभव में आता है सुख दुख ताप ठंडा ये सब क्लेश देने वाले होते हैं संक्लेशस्य उपलब्धिश्च हमें जो है कि अतिरिक्त दाई आदि में तो क्लेश आदि की उपलब्धि भी होता है बाह्य सूर्य है इसीलिए हमको सूर्य के ताप में गर्माहट की गर्माहट का अनुभूति होती है ठंड है इसीलिए हम गंगा जी के मन ठंड में भूखा लगते हैं इसीलिए बाह्य वस्तु है तभी जैसे संक्लेशस्य उपलब्धिश्च ये प्रकार जो कटे मतलब क्लेश दिखाई पड़ते हैं और उसकी जो है उपलब्धि भी होती है क्लेश की उपलब्धि भी है इसलिए अन्नवादियों के शास्त्र प्रतिपादित जो द्वैत्य है परतंत्र मतलब अन्नवादियों शास्त्र से प्रतिपादित जो द्वैत्य को सत्ता माना गया है वो हमारा सिद्धांत है कौन बोल रही है शोत्रार्थी परिभाषी बौद्धवादी का बोलो बोला ही हमारे सिद्धांत है। देखो दुष्ट लाइन जो है ना दुष्ट लाइन उसको बोलते हैं अग्नि टीका में अग्नि दहादि प्रयुक्त दुख उपलब्धि अनुभव अग्नि के द्वारा जलने के फलस्वरूप के दुख की उपलब्धि होते हैं वो नहीं हो पाएगा अनुभव अस्ति यदि आपको अग्नि नामक कोई वस्तु को नहीं मानोगे तब अग्नि के तरह जलने का जो दुख इसका अनुभव भी नहीं होता इसलिए बोलते हैं कि अग्नि दाहादि प्रयुक्त अग्नि के जलन के द्वारा प्रयुक्त जो दुख है उपलब्धि अनुभव इस दुख की उपलब्धि नहीं होती अस्तित्व अस्तित्व बाह्य इसीलिए क्या होता है आपको मानना पड़ेगा सबका दुख का अनुभव होता है ठंड 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 के समय ठंड इसलिए पहाड़ी ना ये ठंड गर्म अथवा अग्नि अथवा जल ये सब वस्तु है ये आपको मानना पड़ेगा अस्तित्व बाह्य आह उसको मन में रखते हुए दूसरे संक्लेश उपलब्धिश
है ना, अनुपलब्ध है, सुख दुख की अनुपलब्धि भी होती है, इसलिए उसका ज्ञान भी होता है। इसलिए यह आपको परतंत्र अस्तित्व मता दुष्टवादी के सिद्धांत अनुसार जो बाहरी वस्तु सत्तत्व माना गया है वो हमारी मत है, ये हमारी भी, हमारा भी मत है। अच्छा, अब जो है टीका में देखिए लिख रहे हैं कि परतंत्र मतलब परकीय शास्त्र, मतलब जितने द्वैतवादी है सभी द्वैतवादी जगत की सत्य मानते हैं, पर वेदांति को छोड़ करके सांख्य भी प्रकृति को सत्य माना, योग दर्शन भी सांख्य को अनुसरण करके चलता है, नैवशेषिक दर्शन भी जगत को जो है क्या होता है कि परमाणु रूप में नित्य माना है ना, भेद भी माना उसने। तो इस प्रकार से ये दूसरे के सिद्धांत के अनुसार जो भेद दिखाई पड़ता है वो शास्त्र जो है जगत बाह्य बाह्य वस्तु के अस्तित्व को दिखाते हैं, हम ये मानते हैं। परतंत्र मतलब परकीय शास्त्र, दुष्टवादियों के मतलब द्वैतवादियों के शास्त्र है, तस् अस्तित्व तद विषय बाह्यत्व विद्यमानत, अस्तित्व मतलब क्या हो गया उसके माने बाहरी विषय की विद्यमानता है, उसके विषय क्या है, परतंत्र मतलब दुष्टवादियों के दर्शन के विषय क्या है, बाहरी वस्तु की अस्तित्व है, द्वैत सत्य है, ऐसा मानते हैं, ऐसा सत्य है। इसलिए बोलते हैं कि तद विषय बाह्यत्व विद्यमानता, बाहरी विषय की विद्यमानता है, ऐसा मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। इतना कथन करने के बाद ये अनंत गिरि जी ने श्लोक की अर्थ कर दिया। अब बोलते भाष्यकार बोलते हैं श्लोक को तात्पर्य, भगवान भाष्यकार इस श्लोक की तात्पर्य जो कहते हैं, उक्तस्य एव अर्थस्य दृढ़ीकरण चिकित्सया पुनराक्षिपति, उक्त अक्ष क्या है जो पहला दो बोला गया, मतलब किसी भी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, यह हमारा मुख्य सिद्धांत है, उत्पत्ति होना संभव नहीं है। उक्तस्य एव अर्थस्य मतलब क्या हो गया कि पारमार्थिक कोई वस्तु बाहर है ही नहीं, उपस्थिति मात्र, ये जो हमारे कहा इसी को ही, इस अर्थ को ही दृढ़ीकरण मतलब उसको निश्चय कराने के लिए, निश्चय करवाने की इच्छा से चिकित्सा, चिकित्सया पहले मतलब चिकित्सा कर्तव्य इच्छा चिकित्सा के धातु संदंत है, वहाँ पे द्वित्य होता है और द्वित्य होने के बाद उसका आकार को इकार हो जाता है, इसलिए यहाँ पे चिकित्सा, चिकित्सा प्रातिपदिक है, उसका तृतीय एक वचन क्या बनेगा चिकित्सया, मतलब इस चिकित्सा से, चिकित्सा के कारण दृढ़ीकरण चिकित्सा मतलब उसको दृढ़ करके, दृढ़ करने की इच्छा से पुनर्क्षिपति दोबारा के आक्षेप उठाते हैं। यहाँ पे दृढ़ीकरण क्या वस्तु है, दृढ़ीकरण मतलब आपका संशय विपर्जय से रहित ज्ञान हो जाए, है ना, दृढ़ीकरण मतलब क्या हो गया आपके ज्ञान के बाद कोई संशय या तो विपरीत ज्ञान कोई कुछ ना है, निश्चय हो जाए ये सत्यमय सृष्टि होना संभव ही नहीं है। दृढ़ीकरण इति दृढ़ी भाव करोते, देखिए वहाँ पे करोते जो क्री धातु का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या बोलते हैं करोती, धातु निर्देश करने के लिए आपको धातु निर्देश एक तिपो और करोती का षष्ठी एक वचन बना दो, करोती को प्रातिपदिक बना करके उसका षष्ठी एक वचन बना दो, करोते मतलब क्री धातु का, हाँ दृढ़ भाव कराने के लिए करके जो प्रेरणा अंश त्यागा चिकित्सया दृढ़त्व संपाद संपिपाद ईशया इति अर्थ, है ना, आप क्या है पहले क्या होता है कोई वस्तु आपको करने के लिए प्रेरणा देते हैं, दूसरा क्या है आपको प्रेरणा के फलस्वरूप आप उसमें दृढ़ आप लग जाते हैं, यहाँ पे प्रेरणा अंश को छोड़ करके आप उसको निश्चय करना है, उसको जानो ये एक प्रेरणा है, और उसको जाना कैसे जाना संशय विपर्य नहीं जाना नहीं ऐसे ही है, इसलिए हमें बोलते हैं कि दृढ़ भाव करोगे प्रेरणा अंश त्यागा, प्रेरणा अंश को छोड़ करके चिकित्सा, चिकित्सा या किसकी चिकित्सा से दृढ़त्व संपिपाद ईशया, दृढ़त्व संपिपाद ईशया, देखिए इस आठ नंबर टिप्पणी में देखिए उसी में आगे दृढ़ीकरणम भावी संशय विपर्यय विषयत्व अभाव संपादन, आया देखिए दृढ़ीकरण ये समझ में आया ना, दृढ़ीकरण आप उसमें क्या है दृढ़ीकरण मतलब जो आगे हमारे पास पहले था कि संशय क्या मालूम हो सकता भी नहीं, नहीं नहीं मैं तो मनुष्य ही हूँ, ये भेद प्रपंच दिखाई देगा सत्य है विपर्यय ज्ञान, किसी किसी के मन में तो क्या मालूम शास्त्र बोलता है मिथ्या हमें लगता है सत्य है तो क्या मालूम हो सकता है नहीं जो सकते, नहीं नहीं शास्त्र नहीं है हमारे अनुभव में आ रहा है, कई बात नहीं है बड़े बड़े दार्शनिकों को ना अपना अपने सिद्धांतों के माना शास्त्र को नहीं माना, इसीलिए इसको निश्चय करने के भावी संशय विपर्यय विषयत्व अभाव संपादन, है ना, विषय संशय मतलब संशय और विपर्यय का अभाव कर देना, ये हो गया दृढ़ीकरण, संशय विपर्यय का अभाव हो जाए ये हो गया दृढ़ीकरण, इसलिए वहाँ पे प्रेरणा अंश को छोड़ करके
चिकित्सा, किसकी चिकित्सा? दृढ़त्व संपिपादेश, दृढ़त्व को संपादन करने की इच्छा से, दृढ़त्व को संपादन करने की इच्छा से। दृढ़त्व क्या है? संशय विपर्य से रहित ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पे आप कार्य कर आगे शुरू करते हैं। उक्त से एक अर्थ से जो पहले कर करके आया, मुख्य रूप से न कश्चित जायते जीव संभव न, यह हमारी प्रतिज्ञा बात है, उसी को दृढ़ करने के लिए। किसी वादी के मत को लेकर के देखिए, दोनों सभी वादी आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? पारमार्थिक उत्पत्ति अगर होगी ना, सभी व्यक्ति एक जगह कभी खड़े हो जाते, यही कहा कहते ऐसा नहीं है। इसलिए अच्छा अब जो है श्लोक में देखिए बोलते हैं प्रज्ञानम, मतलब प्रज्ञाप्ति है ना, प्रकृष्ट बोध, ज्ञाप्ति बोध ज्ञान। तो क्या होता है? शब्दादि प्रतीति, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच प्रकार की विषय के ज्ञान होते हैं। तो पांच इंद्रियों के माध्यम से ना ये प्रज्ञाप्ति, ये सुगंधि है, ये कठोर शब्द है, ये कठोर स्पर्श, इस प्रकार से शब्दादि प्रतीति तस्या सानिमित्तम। ये जो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी अलग अलग नहीं होता, तो अलग अलग प्रतीति, भगवान ने भी अलग अलग इंद्रियों क्यों बनाया? अलग अलग विषय है उसको उपलब्धि करने के लिए तभी तो भगवान ने बनाया। शब्दादि प्रतीति तस्य सनिमित्त, शब्दादि के जो बोध उत्पन्न होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त चाहिए। सनिमित्तम निमित्तम कारण, सनिमित्तम मूल में उसका अर्थ लिखते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है? घट ज्ञान के पीछे निमित्त कारण क्या है? घट, घट नामक विषय। घट है तभी तक घट ज्ञान होगा, पट है तभी पट ज्ञान होगा, मनुष्य है मनुष्य का ज्ञान होता है। इसलिए बोलते हैं निमित्तम कारण विषय, कारण क्या है? विषय। इति एतत् सनिमित्तम, इसी को जो है यहाँ पे कहा सनिमित्त स्व विषयत्तम। कोई भी ज्ञान होता है तो विषय रूप में ही पूर्णत्व का ज्ञान होता है, ये पूर्ववादी के कहना है। फिर बोलते हैं स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति एतत् प्रतिजानीमहे। विज्ञानवादी बोलते तो आपको ज्ञान, विज्ञान को आत्मा मानता है ना, वो पूर्ववादी बोलते हैं शब्दादि को बोलते नहीं नहीं, आप में से भिन्न करके ही वस्तु का ज्ञान होता है, अपने से भिन्न करके ज्ञान होता है। हाँ वहाँ पे जो है देखिए वो स्वामी जी बैठा हुआ अपना अलग है, बुद्धि नहीं हो रहा है, ये नहीं कि हमारे बुद्धि में यहाँ पे बैठा, वही पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए बोलता है स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता, अपने से भिन्न कोई विषय रूप में ज्ञान, किसी को एक प्रतिज्ञानी मन, अपने से भिन्न वस्तु का ज्ञान होता है, इसी को यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं। मैंने कौन चौत्रांतिक वैभाषिक बौद्ध लोग है ना, बेहतर वहाँ पे देखिए तकार चाहिए। स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति, फिर क्या लिखा है? एतत् प्रतिजानीमहे, तो वहाँ पे एतत् है, एक एक आधा तकार तकारी चाहिए, प है ना, वहाँ पे तकारी चाहिए। वो सेकेंड लाइन में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में स्वात्म व्यतिरिक्त विषय विषयता इति एतत् विषयता इति एतत्, यानी कि ए त और प्र के बीच में एक आधा तकार होगा, त और प्र के बीच में एक आधा तकार होगा। ना ना आप अब देखिए स्वात्म व्यतिरिक्त विषय, ठीक है मिला आपको व्यतिरिक्त मिला, हाँ फिर उसके बाद विषय विषय फिर आगे क्या लिखा विषय ते और फिर एक तो का लिखा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो गया विषयता, फिर इति, फिर एक चाहिए आपको एतत्, तो एतत् में ए और त तो दिखाई दे रहा है, एक आधा तकार नहीं है, तो आधा तकार लिखना पड़ेगा, के हो जाएगा प्रोनंसिएशन कर रहे हैं ना 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 एतत्, तो त ए त में तो पूरा अकार है, टी एतत् ए से ए त में पूरा अकार है आपका, एक हलंत तो जोड़ना पड़ेगा वहां पे, एतत् एतत् प्रतिजानी महे, बस ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं बहुत बौद्ध वाली। नहीं निर्विषय प्रज्ञाप्ति, विषय रहित कोई ज्ञान नहीं हो सकता। शब्दादि प्रतीतिश्य, क्योंकि हमें विषय के साथ शब्दादि का बोध होता है, क्योंकि हमें शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान होता है, इसीलिए विषय है वहाँ, ऐसा मानना पड़ेगा। तस्य सनिमित्तत्वात्, क्योंकि इस प्रकार जो ज्ञाप्ति, तस्य किसको बोल रहे हैं? ज्ञाप्ति स्त्रीलिंग है, तीन प्रत्यय होगा, हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा, तीन प्रत्यय कैसे से वहाँ पे होते हैं, तस्य सनिमित्त। हाँ ये द्वितीय लाइन पे देखिए
स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इति फिर इति एत एक जो तकार के बाद एक हलंत तकार लगाइए एक तकार के बाद एक प्र है आपका पुरानी पुस्तक है तो वहाँ पे तो ठीक है पुरानी पुस्तक में ठीक है नया पुस्तक में हलंत तकार छूटा हुआ है गीता पेश में है गीता पेश में है गीता पेश में है हाँ ठीक है प्रतिज्ञानी मही नहीं डबल तप हो जा रहे हैं नहीं तप यहाँ पे तौब नहीं बोल रहे यदि हाँ ना ना वहाँ पे तो नहीं है इस तकार के बाद एक आधा तक ये देखिए वो तो पूरा नहीं निर्विषय प्रज्ञाप्ति शब्दादि प्रतीति क्योंकि कोई भी विषय रहित ज्ञान हो नहीं सकते प्रज्ञाप्ति स्त्रीलिंग है ना बोध यहाँ पे प्रज्ञाप्ति शब्दादि प्रतीति वहाँ पे जो शब्दादि के विषय के साथ ही प्रतीति होते हैं तस्या इसीलिए सा प्रज्ञाप्ति और तस्या से कह लेंगे प्रज्ञाप्ति स्वनिमित्तत्वात् वो निमित्त वाला होने के कारण बाहरी विषय है ऐसा आपको मानना पड़ेगा प्रज्ञाप्ति तस्य प्रज्ञाप्ति स्विषया प्रज्ञाप्ति स्विषय निमित्तत्वात् यानी उस निमित्त से बाहरी विषय अस्तित्व है यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी स्वनिमित्तत्वात् स्विषयत्वेन अनुभूयमानत्वात् विषय रूप में सामने अनुभव में आता है स्विषयत्वेन ज्ञान की विषय के रूप में विषय के सहित यहाँ पे स्वतंत्र करेगा विषय जैसे स्वपुत्र हरि ग्रामम गच्छति पुत्रेण सह हरि ग्रामम गच्छति तो स्वस्थान में स्व आदेश स्वपुत्र हरि गच्छति यहाँ पे स्विषय विषयेण सह उपलब्धमानत्वा विषयेण सह उपलभ्यमानत्वा जैसे स्विषयत्वेन अनुभूयमानत्वा विषय के सहित उपलब्धि होने के कारण विषय के सहित उपलब्धि स्विषयत्वेन अनुभूयमानत्व ज्ञान को जो है हमें अनुभव में आता है कैसे आता है विषय के साथ मिलकर ही आता है अकेला ज्ञान अनुभव में आता क्या कभी इसलिए जो है विषय के साथ इसलिए आपको विषय में चिंत तो मानना पड़ेगा बाहर में अब वस्तु है ये मानना पड़ेगा आपको और एक नंबर टिप्पणी हो गया है अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे अन्यथा मतलब निर्विषयत्व मतलब बाहरी विषय को नहीं मानेंगे तो शब्द स्पर्श नील पीत लहित आदि प्रत्यय वैचित्र्य द्वयस्य नाशत नाशो अभाव प्रसज्जित तब क्या हो गया कि निर्विषयत्व यदि ज्ञान को विषय रहित मानोगे केवल शुद्ध ही ज्ञान में सारा मानोगे कल्पना ही मानोगे तो ये हमको शब्दों के ज्ञान हो रहा है स्पर्श के ज्ञान हो रहा है रूप की शब्द स्पर्श रूप रस गंध यानी यहाँ पे शब्द बोला अपने से स्पर्श बोला और रूप को नहीं बोलते नील पीत लहित तो बोल दिया है ना ये शब्द ये रस हो गया लहित आदि इत्यादि प्रत्यय वैचित्र्य इस प्रकार से ज्ञान में जो भिन्नता दिखाई पड़ता है प्रत्यय में वृत्ति में जो भिन्नता दिखाई पड़ता है इस प्रकार जो मतलब भेद बुद्धि ज्ञान और विषय बीज भेद बुद्धि उसके नाश हो जाने के कारण द्वयस्य नाशत मतलब विषय ज्ञान और विषय दोनों अलग है और विषय के साथ मिलकर के ज्ञान होता है नाश मतलब हो गया अभाव द्वय नाशत है ना द्वयस्य मतलब देखिए मूल में क्या है अन्यथा द्वय नाशत है वहां पे षष्ठी समास है द्वयस्य नाशत बोले भाष्य से पता लग रहा है यही चीज को आपको देख रहे हैं वहां पे एक समास पद है द्वय नाशत इसलिए हम लिखा प्रत्यय वैचित्र से द्वयस्य नाशत पहले आपको संधि तो के समास पद दिखा दिया द्वैत प्रपंच का नाश हो जाने के कारण इसे नाश मतलब अभाव है ना नाश का अर्थ क्या कहते हैं अभाव मतलब द्वैत का अभाव का प्रसंग आ जाएगा मतलब आपको दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ता है भेद है ना इसका प्रसंग ये एक आपको लग रहा है एक ही चीज दोबारा बोल रहे हैं एक ही चीज दोबारा नहीं बोल रहे भगवान भाष्यकार भाष्य मूल मूल में जो शब्द आया हुआ है उसका अर्थ कर रहे हैं अन्यथा द्वय नाशत अन्यथा मतलब निर्विषयते है ना शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि प्रत्यय वैचित्र से जो अलग अलग जो प्रत्यय की विचित्रता था उसका वही क्या है ये द्वय नाशत द्वय मतलब द्वयस्व नाशत द्वैत का नाश हो जाने का ना इस प्रकार प्रत्यय की विचित्रता का नाश हो जाए नाश नाश मतलब वह क्या हुआ अभाव इसका अभाव की प्रसंग आ जाएगा प्रसज्जेत इति अर्थ इसका प्रसंग आ जाएगा ये अभिप्रेत करते हैं
नच प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य अभाव अस्ति प्रत्यक्षत्वात्। आप बोलेंगे हाँ हाँ प्रत्यय का ये तो विचित्रता तो एक ही है, ज्ञान के अनाने थोड़ी है। इसलिए यदि आप ऐसा बोलोगे तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकता? प्रत्यय में विचित्रता दिखाई पड़ता है ना। प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य जो द्वैत भाव में दिखाई पड़ता है, अभाव अस्ति, इसका अभाव न अस्ति, न बस आ रहा है, इसका अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्यक्षत्वात्। ये प्रत्यक्ष भेद दिखाई पड़ते हैं आपको, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं प्रत्यय वैचित्रस्य द्वैतस्य अभाव न अस्ति, प्रत्यय वैचित्रस्य द्वैतस्य अभाव न अस्ति। प्रत्यय वैचित्र के हेतु जो भेदात्मक प्रपंच, उसका अभाव नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षत्वात्। प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह दिखाई देते हैं। अतः प्रत्यय वैचित्रस्य द्वयस्य दर्शनात्, इसलिए मतलब ये अतमत उस दाशत, इसलिए प्रत्यय की विचित्रता जो द्वैत है, वो द्वैत दिखाई देने के कारण आपको द्वैत प्रपंच मानना पड़ेगा। ठीक है ना समझी? नाशता एक ही शब्द है, नहीं तो नाश अतः। नहीं नहीं, अत होता तो नाश अकारात्मक शब्द है, तो नाशात होता तो नाश। अब नाशत पंचमी है, वहाँ पे पंचमी विभक्ति का अर्थ कर रहा हूँ, नाशत नाश हो जाने। परेशान तंत्र लास्ट में देखिए, परतंत्र अस्तिता मता है ना। परेशान तंत्र परतंत्र, परेशान मतलब दूसरे का, यह षष्ठी समस्या है परतंत्र में, वो भी षष्ठी समस्या है। परेशान तंत्र, तंत्र मतलब सिद्धांत, तंत्र मतलब सिद्धांत, परेशान तंत्र मतलब परतंत्र इति अन्न शास्त्र, मतलब अन्नवादियों के शास्त्र में जो कहा गया है, तस्य परतंत्रस्य, उस परतंत्रस्य मतलब दूसरे वादियों के सिद्धांत का, परतंत्र आश्रयस्य, दूसरेवादी के सिद्धांत के आश्रय क्या है? यदि बाह्य अर्थ द्वैत प्रपंच सत्य है, बाह्यार्थस्य ज्ञान और व्यतिरिक्तस्य अस्तिता पता अभिप्रेता, ज्ञान से भिन्न करके बाहरी वस्तु की, बड़ी विचित्र बात है। कोई कोई कहता है कि बाहरी वस्तु के कारण ज्ञान में भिन्नता है, ज्ञान मतलब बाहरी वस्तु के कारण ज्ञान में भिन्नता है, और ज्ञान के कारण बाहरी वस्तु दिखाई पड़ता है। एक बात क्या बोल रहा मुख्य रूप से, तो हमारा ये बाह्यस्तित्ववादी बोलते हैं बाहरी वस्तु के भिन्नता के कारण ज्ञान में विचित्रता है, और विज्ञानवादी क्या बोलते हैं, अरे विज्ञान के कारण बाहरी वस्तु को उपलब्ध होती है, इसलिए बाहर वस्तु नहीं है, विज्ञान ही विज्ञान है। ये दोनों में लड़ाई है, ये दोनों मुख्य मुख्य जगह यही है। यहाँ बोलते हैं परेशान तंत्र परतंत्र इति अन्न शास्त्र, मतलब दूसरे वादी का सिद्धांत, तस्य परतंत्रस्य, उस दूसरे वादी के सिद्धांत का, परतंत्र आश्रयस्य, मतलब उसके सिद्धांत के आश्रय, मतलब वो जिसको प्रतिपादन करना चाहते हैं। दो नंबर टिप्पणी देखिए, मतलब प्रतिपाद्यस्य, द्वैतवादियों का प्रतिपाद्य क्या है? द्वैत प्रपंच सत्य है। शंकर दर्शन के ले करके सारा मतलब सौत्रांतिक वैभाषिक तक सभी तो हमारा चार बात तो द्वैत को मानते ही है, इसलिए सब जो है भेद मानने वाला उसका, इसलिए द्वैतवादियों के सिद्धांत के प्रतिपदारा प्रतिपादन किया गया है। कौन? भेद को प्रतिपाद्यस्य बाह्यार्थस्य, क्या प्रतिपादन किया? बाहरी विषय को बाह्यार्थस्य, ज्ञान व्यतिरिक्त तो अस्तिता है ना, ज्ञान से विषय भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? ये चीज ध्यान रखना, इसका मुख्य जगह क्या है? ज्ञान से विषय भिन्न है, इसलिए बोलते हैं ज्ञान व्यतिरिक्त। विज्ञानवादी बोलते क्या बोलते हैं? ज्ञान से विषय भिन्न नहीं है। महाराज शंख लोग द्वैतवादी है और योग दर्शन द्वैतवादी है, इसलिए ज्ञान व्यतिरिक्त अस्तिता मता अभिप्रेता, उनको ऐसा अभिप्रेत है। ठीक है ना, ज्ञान से भिन्न करके वस्तु के अस्तित्व है। विज्ञानवादी बोलते नहीं नहीं ज्ञान से भिन्न करके वस्तु कहाँ है? ज्ञान ही है मान के बोलना, इसलिए आप बोलते हैं कि अभिमता मतलब बाह्यत्ववादी बौद्ध विषय विशेषणाम इति शेष है ना, ये बौद्धों की एक कैटेगोरी बाह्यार्थवादी, उनके मत में यही है कि अन्नवादियों ने जैसे द्वैत प्रपंच को सत्य माना, ऐसा हम भी मानते हैं कि कुछ के कारण से ज्ञान में भिन्नता दिखाई पड़ता है, ज्ञान में भिन्नता है। इसलिए वो क्या हो गया? परेशान तंत्र परतंत्र इति अन्न शास्त्र, तस्य परतंत्रस्य परतंत्र आश्रयस्य, मतलब परतंत्र का प्रतिपाद्य जो विषय है उसका क्या प्रतिपाद्य विषय है? बाह्यार्थस्य बाह्य विषय सत्य है, वो क्या है? ज्ञान व्यतिरिक्त सो जो विषय है क्या है? ज्ञान से भिन्न है, अस्थित मतलब विद्यमानता, मतलब ज्ञान से भिन्न करके वस्तु की विद्यमानता है। मता मतलब अभिप्रेता, ये हमारी अभिप्राय है। ये अभिप्रेत किसका है? बाह्यार्थवादी बौद्ध विशेषणाम, एक बौद्ध की एक विशेष ग्रुप जो है बाहरी अस्तित्व को मानने वाले लोग ऐसा कहते हैं। न ही प्रज्ञा, ये
तीन नंबर टिप्पणी में पर अभिप्रेत मतलब देखिए ना बाह्य अर्थवादी बौद्ध विशेष विशेषाना भी विशेष है ना, बाहरी अर्थों को मानने वाले बौद्धों की एक विशेष ग्रुप नहीं प्रज्ञाप्ते प्रकाश मात्र स्वरूप है। अब देखिए वो जो एक ए वाले के बाह्य अस्तित्ववादी और विज्ञानवादी बौद्धों को कोस रहा है सिद्धांतिक यहाँ पे वेदांति को लाना ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाह्य अस्तित्ववादी और विज्ञानवादी में आपस में नारद नारद यह जो है क्या हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो नहीं प्रज्ञाप्ते प्रकाश मात्र स्वरूप आया, जो प्रज्ञात में ज्ञान, ज्ञान क्या है प्रकाश मात्र है लाइट, केवल लाइट मात्र स्वच्छ लाइट है, उसमें नील पितादि बाह्य आलम्बनम वैचित्रम अंतरेण स्वभाव भेदेन एव वैचित्रम न संभवती न, देखो शुरू में है पंक्ति के शुरू में न बिल्कुल न ही मतलब क्योंकि क्योंकि प्रज्ञाप्ते प्रज्ञाप्ति मतलब बोध स्वरूप जो बोध ज्ञान में प्रकाश मात्र स्वरूप आया, जो आप क्या कहते हैं केवल प्रकाश मात्र है। इस प्रकार एक वस्तु में इस प्रकार सफेद लाइट है प्रकाश मात्र है, इसमें लाल काला पीला हरा ये जब तक सामने कोई कपड़ा नहीं रखेंगे तब तक ये लाल काला पीला नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान ज्ञान एक स्वच्छ सफेद सफेद है प्रज्ञा, तो वहाँ पर जो आपका घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ये दिखाई पड़ता है सामने और घट के साथ मिलकर के तो होता है, यदि वो नहीं होता तो कैसे होता है। इसीलिए आगे हाँ तो यहाँ पे बोलते हैं प्रकाश मात्र स्वरूप आया नील पीत आदि बाह्य आलम्बनम वैचित्र है ना, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की लाल हरा काला पीला घट पट मत इस प्रकार बाहरी कोई रंग ना हो तो प्रकाश में रंग नहीं दिखता। इसी प्रकार प्रकाश के समान ज्ञान में यदि बाहरी कोई विषय ना हो तो वहाँ पे भी वो घट नहीं विषय कर ज्ञान में घटत पटत बोध नहीं उत्पन्न होता। सफेद लाइट में यदि सामने कोई उपाधि हो तब जाकर वहाँ पे लाल काला पीला दिखाई पड़ता है रंग प्रकाश, उसी प्रकाश से ज्ञान आपका प्रकाश स्वरूप है। ये ज्ञान जो प्रकाश स्वरूप है बाहरी विषय का अवलंबन लेकर यहाँ पे घट पट लाल काला पीला ये सब दिखाई पड़ता है ज्ञान, ये ज्ञान होता है। इसलिए बोलते हैं प्रज्ञाप्ते प्रकाश मात्र स्वरूप आया नील पीतादि बाह्य आलम्बनम आलम्बन वैचित्रम अंतरेण स्वभाव भेदेन अपने अपने आप ही जो है अनेक प्रकार के रूप धारण करेगा अपने आप ही सवेदन एवं वैचित्रम न संभव है, हमें ज्ञान में विचित्रता होना संभव नहीं है, ज्ञान में विचित्रता होना संभव नहीं। इसीलिए बाहरी आलम्बन मानना चाहिए, इसलिए बाहरी आलम्बन मानना चाहिए। जिस प्रकार स्फटिक स्वच्छ है स्फटिक स्वच्छ है, एक तो ये लोगों ने प्रकाश का तो दृष्टांत दे ही दिया, फिर एक दृष्टांत और स्फटिक स्वच्छ है हमेशा ही स्वच्छ है, परंतु स्फटिक में लाल काला पीला कब दिखेगा जब बाहरी कोई लाल कपड़ा पीला काला कपड़ा रखेंगे, वो बाहरी वस्तु से भिन्न वस्तु है उसके ऊपर रखने से जवाब कुसुमादि रखने से लाल दिखाई पड़ता है। स्फटिकस्य इव नीलादि उपाधि आश्रयेन बिना जिस प्रकार स्फटिक में नीलादि उपाधि को आश्रय किए बिना वैचित्र्यम न घटते उसमें ना लाल काला पीला ये देखना संभव नहीं है, बाहरी कोई विषय का आश्रय तभी होना संभव है। इति अभिप्राय ये जो है हमारा किसका वैभाषिक और सूत्रांति का ये सूत्रांति वैभाषिक है अभिप्राय। ये हो गया फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन इतस्य अनदर रीजन इस और इस कारण से भी इतस्य मतलब और इस कारण से भी परतंत्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य है ना, जो दूसरीवादियों के सिद्धांत के अनुसार जो बाहरी विषय है उसका परतंत्र आश्रयस्य मतलब दूसरीवादी के सिद्धांत के मतलब उसके बाद का विषय जो क्या है बाहरी विषय है आश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तित्व ज्ञान से भिन्न करके बाह्य वस्तु की अस्तित्व है ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि संक्लेशनम संक्लेश मतलब दुख मिति अर्थ संक्लेश मतलब क्या होगा दुख की अनुभूति होती है, बाहरी विषय के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है, बाहरी विषय अगर नहीं होते तब हमें दुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए भी बाहरी केवल दुख नहीं सुख भी बाहरी विषय के कारण देखिए मतलब क्या है विषयात्मक सुख को लेकर के बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं संक्लेशनम संक्लेश मतलब दुख मिति अर्थ है ना दुख, अभी क्या होता है इसकी उपलब्धि होती है उपलब्धते ही अग्नि दाहादि निमित्तम दुखम हमें उपलब्धि होती है हाथ में एक अंधा का टुकड़ा गिर जाए तो हाथ जल जाता है अरे जल रहा है दुख हो रहा है छला आ गया दुखम यदि अग्नादि बाह्य दाहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम ना शायद यदि इस प्रकार हमारे बुद्धि में केवल बैठा है क्या बैठा है कि हमारे हाथ जल गए तो हमारे हाथ हमने सपना देखा हमारे हाथ जल गए तो हमें क्लेश होगा कि नहीं होगा हाँ? नहीं आपने सपना देखा क्या सपना देखा
ये आग लग गई, हमारे हाथ जल गए, तो आपको क्लेश होगा कि नहीं होगा? स्वप्न में क्लेश होगा, मतलब वो क्लेश परमार्थिक नहीं है। तो ही बोलता है उपलब्धि ही अग्नि दहादि निमित्त होगा, वो वादी क्या बोलते हैं, अग्नि के जलन की निमित्त से दुख कभी तो उपलब्धि होती है, हमें दुख होती है। यदि अग्नियादि बाह्य, तब क्या हो गया, यदि अग्नियादि ऐसा बाहरी वस्तु नहीं होता, यदि अग्नियादि बाह्यम दहादि निमित्त अग्नि जिस प्रकार हमें बोध क्या हो रहा है, हमारे हाथ जल गए, तो जलाने के निमित्त जो अपनी बाहरी वस्तु से नहीं होता, तो हम इस प्रकार के दुख का अनुभव कैसे करते? इसलिए बोलते हैं अग्नि दहादि निमित्तम दुःखम यदि अग्नियादि बाह्यम दहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न सहत, यदि ऐसा नहीं होता परंतु तत्व दहादि दुःखम न उपलब्ध्यते, परंतु उपलब्धि होती है हमको अग्नि की जलन के निमित्त सुख में शरीर में दुख की उपलब्धि होती है। यदि बाहरी कोई वस्तु नहीं होता, स्वप्न में जैसा देखा हुआ वस्तु में नहीं है, तो उस समय उठ करके हमें कुछ दुख की उपलब्धि नहीं होती, परंतु यहाँ तो उपलब्धि होती है। इसी नाम पे बोलते हैं उपलब्ध्यते ही अग्नि दहादि निमित्तम दुःखम, तो अग्नि के जलाने के निमित्त से दुख की उपलब्धि होती है, ठीक है ना। यदि अग्नियादि बाह्य दहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न सह, यदि अग्नियादि बाहरी वस्तु बुद्धि से भिन्न करके विज्ञान से भिन्न करके अस्तित्व नहीं होता, तब तो दहादि दुःखम न उपलब्ध्यते, तब दहादि निमित्त जो दुख हो रहा था उसको उपलब्धि नहीं होना चाहिए था, पर होता है ऐसा। तो इसीलिए जो है बाहरी वस्तु है ऐसा मानना पड़ेगा। उपलब्ध्यते तू, परंतु हमें दुख की उपलब्धि होती है, दुख की उपलब्धि होती है, अतः इसलिए तेन मन्नामहे अस्ति, इसलिए कि इस लॉजिकल हम लोग मानते हैं मन्नामहे क्या अस्ति बाह्यार्थ, तो बाहरी विषय है, बाहरी विषय तो सुख दुख अनुभूति होते ही थी नहीं, विज्ञान मात्र यदि केवल मात्र बौद्धिक होती, बौद्धिक हुई होती, संक्लेश न युक्त विज्ञान मात्र संक्लेश न युक्त, यदि सभी बुद्धि मात्र में विद्यमान होता तब क्या होता कि आप यदि मान लो ये बुद्धि मात्र में है, तब आप बुद्धि में बैठी हुए तो क्या आप बुद्धि को जलाने लग जाएगी। इसीलिए विज्ञान मात्र संक्लेश न युक्त, केवल मात्र बौद्धिक होने से इस प्रकार बाहरी क्लेश की उपलब्धि नहीं होना चाहिए था, बाहरी क्लेश की। विज्ञान मात्र एक नंबर टिप्पणी स्वीकृति क्षति, केवल विज्ञान मात्र स्वीकृति क्षति, यदि केवल मात्र विज्ञान को ही हम स्वीकार कर लेते हैं तो इस प्रकार बाहरी वस्तु निमित्त जो क्लेश उपलब्धि होते हैं उस प्रकार की क्लेश होना नहीं चाहिए था। अन्यत्र अदर्शनादिति अभिप्रायः, अन्यत्र अदर्शन मतलब दूसरी जगह पे नहीं देखा, मतलब बाहरी वस्तु है तभी जाके क्लेश का अनुभूति होती है, और यदि नहीं होता तो नहीं मतलब बाहरी वस्तु नहीं होता तो दुख की अनुभूति नहीं होती। अन्यत्र अदर्शना, जहाँ पे बाहरी वस्तु नहीं है वहाँ पे दुख की अनुभूति भी नहीं है, वहाँ नहीं देखा जाए, जिसे स्वप्न में बाहरी वस्तु नहीं है तो उठ करके हमें दुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए अन्यत्र अदर्शनात् इति अभिप्रायः, मतलब देह क्षेत्रादि व्यतिरिक्त जिस प्रकार मान लीजिए इसको चंदन लेप आदि आप करेंगे वहाँ पे जो आपका जो वहाँ पे सुख का अनुभूति होगी, इसलिए यहाँ पे बाहरी वस्तु के निमित्त के कारण से यहाँ पे सुख अथवा दुख या चकार के द्वारा एक चकार बोला ना वहाँ पे देखिए संक्लेश उपलब्धिश्च, यद्यपि ये चकार जो है क्या है कि अनदर रीजन, हमारे ज्ञान में भिन्नता है ये वन रीजन, और दुख की उपलब्धि होते हैं बाहरी वस्तु से दुख की शास्त्र ने माना आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीन प्रकार, ठीक है आध्यात्मिक दुख होता है अपने मन की बात है, अधिव अन्नभूत से दुख होता है, देवता से दुख होता है, तो अपने से भिन्न करके बोलने वस्तु है मानना पड़ेगा आपको, तभी जाके दुख होता है ना, सुख दुख अनुभूति के कारण आपको मानना पड़ेगा। मात्रा स्पर्श मतलब ये शंखों का चीज़ वो तो ठीक है, हम गीता भी बोला परंतु इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, मात्रा स्पर्श स्तुपंतु शीतोष्ण सुख दुख था आगम आवाइन, तो भगवान को सत्य नहीं बोला, मत आने जाने वाला तुच्छ वस्तु है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए आया है तो उसको सहन कर लो, ताम तितिक्ष भारत मात्रा स्पर्श, वेदांतिक सिद्धांत तो बिल्कुल पक्का है, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे नहीं बोला मात्रा स्पर्श शब्द तो प्रयोग किया, परंतु क्या है आगम आवाइन व्यभिचारी है, आने जाने वाला है, सत्य वस्तु नहीं है, वो सत्य वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है टीका में आ जाते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी पूरा हो गया, टिप्पणी तो कोई नहीं छूटा इसका ना, अब टीका पे देखते हैं, टीका पे देखिए मजा आएगा इसमें। अब यहाँ श्लोक से तात्पर्य महाटीका में पेज 222 तो एक व्यक्ति स्टेशन में खड़ा था, दृढ़ीकरण तक हाँ
एक बजे स्टेशन में खड़ा था और एक से पूछ रहे गाड़ी कितने देर में आएगी, गाड़ी कितने, बोले टू 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 दो मिनट लेट है गाड़ी, इसलिए गाड़ी दो मिनट लेट है, टू 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 दो बजने में शायद मतलब अब दो मिनट और पहले आना चाहिए था और दो मिनट लेट टू 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 ये हमारे टू 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 आगे क्या बोलते हैं यहाँ तक हो गया था दीढ़ी करना ये पढ़ लिए थे हमने ना वस्तु तो वस्तु नो नास्ति वस्तु तो जन्म इति उक्तार्थ तस्य एव दीढ़ी करना पूर्व उत्तर पक्षाभ्याम चिकित्सा देता है ना इसको पढ़ना है हमको वस्तु नो नास्ति वस्तु तो जन्म इति उक्तार्थ ठीक है किसका उक्तस्य एव अर्थस्य भाष्य में क्या लिखा है उक्तस्य एव अर्थस्य जिस विषय को कहा गया है उसी विषय का यहाँ पे देखिए उक्त क्या बोला गया है हमारा क्या बोला गया है वस्तु न वस्तु तो जन्म नास्ति वस्तु न वस्तु तो जन्म नास्ति है ना वस्तु का पारमार्थिक जन्म है इति उक्ता तो इस विषय का हमने पहले कथन करके आया यह हमारी प्रतिज्ञा वाक्य है तस्य एव उस प्रतिज्ञा वाक्य के मतलब वस्तु तो आपका जन्म होना संभव नहीं है दृढ़ीकरणम दृढ़ीकरण में पहले इसका पढ़ लिया था आठ नंबर टिप्पणी संशय विपर्य रहित को रहित ज्ञान उत्पन्न करने के लिए किस किस विषय में संशय विपर्य रहित मतलब जन्म वस्तु की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है इस विषय में जो ज्ञान है इस विषय इस ज्ञान को संशय या विपर्य से रहित बनाने के लिए दृढ़ीकरण पूर्व उत्तर पक्षाभ्याम चिकित्सते उसको पूर्व पक्षी बना करके किसी को उत्तर पक्षी बना करके यहाँ पे पूर्व पक्षी कौन है शोकशास्त्री वैभाषिक और विज्ञानवादी हो जाएगा आपका यह होगा उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष सिद्धांत पक्ष के बारे में तो दोनों को भी उन लोगों की लड़ाई का हमारे सामने लगे थे पूर्व उत्तर पक्षाभ्याम चिकित्सते दीर्घीकरण चिकित्सा मतलब दीर्घीकरण की इच्छा करते हैं तया पुनः आक्षेप मुखन इसलिए उसमें पूर्व आक्षेप उठा करके बाह्यार्थवादी नाम प्रस्थान उत्थापयति है ना वो आक्षेप पहले उठा करके बाह्यार्थवादी का प्रस्थीयते अनेनेति प्रस्थान वो इसी से मुक्ति मानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं प्रस्थानत्रयी बोलते हैं ना हमारे मतलब एक श्रुति प्रस्थान एक स्मृति प्रस्थान एक न्याय प्रस्थान ये बाह्यार्थवादी का प्रस्थान है वो लोग इसी को पराश्रय करके संसार से मुक्त प्रस्थीयते अनेनेति प्रस्थान इसको पराश्रय करके संसार से मुक्त हो जाएंगे ऐसा मानते हैं इसलिए बोलते हैं बाह्यार्थवादी नाम श्रोत्रांतिक वैभाषिक जो बाहरी वस्तु को मानता है उन वादियों के सिद्धांत है यहाँ पे प्रस्थान मतलब सिद्धांत है ना उस प्रस्थान को सिद्धांत को उत्थापयति उसको उठाते हैं मतलब उसको सामने ला करके रखते हैं किस किस लिए आक्षेप मुखे न मतलब क्यों क्यों आक्षेप उठाते हैं जैसे आपने सुना लिखन है सुना लिखन है कि आपने खंभा गाड़ दिया फिर उसको हिलाएंगे फिर पत्थर ठोकेंगे फिर उसको हिलाएंगे ये दृढ़ीकरण है इस सुना लिखन न्याय भी बोलते हैं आक्षेप उठा करके उसको खंडन करके हमारे सिद्धांतों को दृढ़ कर देंगे ये उनका आक्षेप दोनों वादी में हो रहा है बाह्यार्थ अस्तित्ववादी और विज्ञानवादी बोलते हैं उसके द्वारा वेदांत उत्पत्ति होना संभव नहीं है इस भाव को दृढ़ कर देंगे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि पूर्व उत्तर पक्षाभ्यम चिकित्सा पूर्व मानव बना के दृढ़ीकरण ये चिकित्सा तया उसके द्वारा पुनः आक्षेप मुखे न मतलब ये एक आक्षेप उठा करके आक्षेप मतलब जन्म अभाव निषेधे न वो क्या आक्षेप क्या है आपने क्या बोला कि जन्म का अभाव है वो क्या बोलता है जन्म का अभाव नहीं है जन्म अभाव निषेध है हमने क्या बोला जन्म के अभाव है वो क्या बोला जन्म का अभाव नहीं है यही तो क्या आक्षेप आप गलत बोल रहे हो कि हम सामने वस्तु दिखाई पड़ रहे इसलिए बोलता है आक्षेप मुखे ना जन्म अभाव निषेध है नहीं अर्थ ठीक है इसलिए हमें बोलते हैं कि पुनः आक्षेप मुखे ना फिर दोबारा बाह्य अर्थ अस्तित्ववादियों के सिद्धांत को सामने ला करके हमारे ऊपर आक्षेप करता है तुमने क्या बोला जन्म होना संभव नहीं है हम कहते हैं जन्म होना संभव है होना चाहिए क्योंकि बाहरी वस्तु दिखाई पड़ती है इसलिए बोलते हैं आक्षेप मुखे ने बाह्य अर्थवादी नाम प्रस्थानम उत्थापयति इति अर्थ अब जो है ये प्रज्ञप्ति शब्द के द्वारा जैसे हमारे वेदांतिक सिद्धांत में प्रज्ञप्ति मतलब शुद्ध बोध यहाँ पे प्रज्ञाप्ति शब्द अगर उसको नहीं लेना है यहाँ पे शब्द स्पर्श रूप प्रस्तुति ज्ञान होता है उसको बोल रहे हैं इसलिए बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप भूतां प्रज्ञाप्ति प्रतिषेधति प्रतिषेधति ये प्रज्ञाप्ति है ना प्रज्ञाप्ति शब्द है प्रज्ञाप्ति स्वनिमित्तम
है ना। यहाँ पे जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है वो शुद्ध चेतन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको नहीं बोलते, जो विषयात्मक ज्ञान होता है उसको लेकर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप भूतां प्रज्ञाप्ति, ब्रह्म के स्वरूप भूत जो हमारा बोध है, ज्ञान स्वरूप है ना, उसके यहाँ निषेध कर रहा है, क्योंकि वो तो बाह्य अस्तित्व मानते हैं। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हमारे यहाँ पे बुद्धि के काम है, वो साक्षी का काम नहीं है, साक्षी तो केवल उसको प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप होता प्रज्ञाप्ति प्रतिषेधति शब्दादि प्रतीति है, इसका है वो प्रज्ञाप्ति अर्थात शब्दादि प्रतीति, शब्दादि का जो प्रति उसका सनिमित्त प्रतीति के पीछे कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। निमित्त मतलब कारण, कारण क्या विषय, निमित्त स्विषयत्व मतलब उसका हमारा ज्ञान होता है शब्द स्पर्श रूप स्कंध, वो कोई ना कोई सामने विषय है तदर्थ, इसीलिए जाकर के इस प्रकार ज्ञान होना संभव है। तो आगे बोलते हैं देखिए साकारवादम युदस्यति, ठीक है ना। अब देखिए इधर ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान भी नहीं और सगुण साकार रूप उसको भी नहीं, साकारवाद को चार नंबर टिप में बोलते हैं नील पितादि आकारेण विज्ञानम एव प्रथते इति अभ्युपगच्छतामि इति शेष है ना। उनको विज्ञानवादी बोध क्या बोलते हैं, नील पीत लाल पीला हरा पीला कौन है, बुद्धि ही उस रूप में आपके सामने प्रतीति हो रही, बुद्धि है सब। वो विज्ञानवादी क्या बोलते हैं, रज्जु को स्वयं को दिखाई पड़ रहा है आपको, वो स्वयं को कहाँ है, बुद्धि में, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार सारा वस्तु ऐसा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ इतना हिस्से एक में है, परंतु हम क्या बोलते हैं, एक अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती। वो यहाँ पर अधिष्ठान में घबरा जाता है, वहाँ पे विज्ञान कोई अधिष्ठान ना, हमारे यहाँ पे एक शुद्ध चेतन तत्व विद्यमान है उसके ऊपर इस प्रकार भ्रांति होना संभव है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि साकारवाद, साकारवाद मतलब जो नील पितादि आकारेण विज्ञानम एव, नील पितादि आकार में बुद्धि ही जो है प्रत्यक्ष मतलब अभिव्यक्त है, अभिप्रकाशता इस प्रकार मानने वाले के पास सिद्धांत को क्या बोलते हैं, वह निराकरण कर विदश्यति, हम ऐसा नहीं मानते हैं। सात्म व्यतिरिक्त विषयता इति प्रतिजानी में प्रतिज्ञा करते हैं, बुद्धि से विज्ञान को आत्मा मानते हैं, अपने से भिन्न करके बुद्धि के विषय की अस्तित्व है ऐसा प्रतिज्ञा कौन, बाहरी श्रोत्राधिकार वैभाषिक उसको प्रतिज्ञा करते हैं। आत्म व्यतिरिक्त स्वात्म व्यतिरिक्त आत्मा से भिन्न करके विषयता मतलब विषय विद्यमान है वहाँ पे, इति एतत् प्रतिजानीमहि, इस प्रकार से इसकी प्रतिज्ञा करते हैं मतलब बाहरी विषय का अस्तित्व है। साकारवाद इस प्रकार इसको निराकरण करते हैं कौन, साकारवाद मतलब विज्ञानवाद, यहाँ पे विज्ञान का अधिकार उसको निराकरण करता है, नहीं नहीं बाहरी वस्तु विद्यमान है इंसान। आगे देखा और बोलते हैं प्रज्ञप्ते विषय निरपेक्षत्वात् न सात्रित्व विषयता इति आशंक, विज्ञानवादी बौद्ध बोल रहे हैं बीच में, विज्ञानवादी बौद्ध क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो आशंक्य प्रज्ञप्ते, ये प्रज्ञप्ति जो है ना विषय निरपेक्षत्वात् विषय की अपेक्षा नहीं रखता, प्रज्ञप्ति जो है बोध जो विषय की अपेक्षा नहीं रखता, जिस प्रकार आपका सामने जल दिखाई पड़ रहा है वो जल भी विषय का अपेक्षा नहीं रखता, दिमाग में बैठा सब सबको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, उसको अपेक्षा नहीं रखता बाहरी विषय का। हम तो इस हमेशा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विषय का अपेक्षा, कोई अधिष्ठान को नहीं समझने के कारण उसको समझ के वो ऐसा नहीं मानते, बड़ी बुद्धि में ही है, क्योंकि आप विज्ञान को ही आत्मा माना और विज्ञान अपने को अपने आप विषय रूप में जानते हैं, कर्म करके दोष है यहाँ पे, ये उनके सिद्धांत है। क्या बोलते हैं प्रज्ञाप्ति विषय निरपेक्षत्व, प्रज्ञाप्ति विषय ज्ञान बोध मतलब विषय से निरपेक्ष होकर ही रहता है, न स्वागतिरिक्त विषय से अपने से भिन्न कोई विषय की अपेक्षा नहीं रखता, इति आशंक ऐसा विज्ञानवादी बोध तो बीच में टपक पर बोला नहीं नहीं बुद्धि को ज्ञान के लिए कोई विषय की आवश्यकता नहीं है, इति आशंका हो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप, नहीं निर्विषय प्रज्ञाप्ति विषय रहित कोई बोध शब्दादि प्रतीति शब्द स्पर्श रूप से प्रतीति नहीं हो सकता है, वो विषय के साथ ही होता है, क्यों तस्निमित्तवात्, क्योंकि वो निमित्त के साथ ही होता है। उसी को देखिए बोलते हैं स्वनिमित्तत्व विषय तेन स्फुरणम, ज्ञान क्या होता है निमित्त के साथ, स्वनिमित्तत्व मतलब ज्ञान का स्फुरण कैसे होता है विषय के साथ, ज्ञान का स्फुरण कैसे होता है विषय के साथ होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ठीक बोल रहे हैं, परंतु ये व्यभिचार ना करते हैं, सुषुप्ति में देखो समाधि में देखो भारी वस्तु नहीं है, परंतु ज्ञान का स्फुरण होता है अपने अस्तित्व का स्फुरण होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं वो भारी अस्तित्व ऐसा मानते हैं कि स्वनिमित्त विषय तेना स्फुरण, स्वनिमित्त मतलब क्या होता है विषय रूप में ज्ञान स्फुरण, विषय के साथ मिल करके ज्ञान का स्फुरण होता है,
एक बात ये बोलता है और एक बात क्या बोलता है, विषय रहित भी ज्ञान का स्फुरन होता है ना, इसीलिए निमित्त स्वनिमित्त विषय तेन स्फुरन तमेव हेतु द्वितीय पाद जो जनया विषदयति, मतलब इसी को भी इस तम एक इसी हेतु को ही, इस हेतु हेतु क्या दिया यहाँ पे, ज्ञान विषय के साथ ही अभिव्यक्त होता है, ये जो हेतु दिया ना तम एव हेतु है ना, इस ज्ञान विषय के साथ मिलकर के अभिव्यक्त होता है, इसी कारण को द्वितीय पाद योजना है। द्वितीय पाद क्या, अन्यथा द्वयनाशतः, ये द्वितीय पाद है, द्वितीय पाद योजना विषय, द्वितीय पाद को अन्वय करते उसको विस्तार करते, अन्यथा नीट विषय शब्द स्पर्श नील पीत लहितादि प्रत्यय वैचित्र से द्वयस्व नाशत नाश अभाव प्रसंचित, प्रपंच का नाश हो जाएगा। तो प्रसंग से इष्टतम प्रत्याचे विज्ञान मध्य बोलते हैं कि ये द्वैत तत्व है नहीं, ये तो हमारे अभिष्ट ही है, ये तो हमारा अभिष्ट है ना, विज्ञान मध्य बोलते बोलते बस बस तो हम तो द्वैत प्रपंच नाश हो जाएगा, बोलते हैं यही तो हम चाहते हैं, द्वैत है नहीं यहाँ पे, तो बोलते हैं प्रसंग से इस प्रकार के जो प्रसंग इष्टतम ये हमारा अभिष्ट है, बोलते ऐसा नहीं कह सकते प्रत्याचे, इसके उत्तर में बोलते हैं ऐसा आप नहीं कह सकते, क्यों न च प्रत्यय वैचित्र से द्वयस्य अभाव अस्ति प्रत्यक्ष, इस प्रत्यय विचित्रता, प्रत्यय विचित्रता क्यों, ज्ञान अलग है विषय अलग है, इस प्रकार ये द्वैत द्वैत जो भाव है द्वैत इसका अभाव आप नहीं कह सकते, प्रत्यय वैचित्र से द्वयस्य प्रत्यय की विचित्रता के लिए हेतु जो वाणी घटपट अति वस्तु दिखाई पड़ता है, मतलब विषय और ज्ञान अलग है, इस प्रकार का जो भाव है ना इसका अभाव नहीं है, अभाव ये अभाव न अस्ति है ना, द्वैत मतलब विज्ञान विषय और विषय से भिन्न करके ज्ञान, इसका अभाव नहीं है, विषय अलग है ज्ञान अलग है, न अस्ति इति प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं मुझे, हम लोगों को दिखाई पड़ता है, इसलिए यह आप नहीं कह सकते हो कि हमारे अभिष्ट है, इसलिए बोलते प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रयुक्तम फलम चतुर्थ पाद व्याख्यान न कथयति, इस प्रकार प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रत्यय में बोध में थॉट्स में है ना, जो कॉग्निशन है इसमें भी अथवा इट में भी द फॉल्स नोशन व्हाट एवर इट में भी, मतलब यहाँ पे जो विचित्रता दिखाई पड़ता है प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रयुक्तम युक्तिहीनता से प्रेरित होता हुआ जो जो इसका जो फल है चतुर्थ पाद व्याख्यान है ना कथयति, चतुर्थ पाद के व्याख्यान के माध्यम से इसको कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी फल, मतलब बाह्यर्थ सत्यत्व रूप, बाह्यर्थ सत्य रूप विद्यार्थ, बाहरी वस्तु सत है, सत्य में बैन रहा बाहरी वस्तु सत है, इसको इस प्रकार जो है कहने के लिए जो चतुर्थ पाद को कहते हैं, पता नहीं भी रखेंगे आगे उपजनमुदन पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो हृदयात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्यात्तदेहाय दक्षिणा।